है, नॉट मोर देन वन, तो उसको हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशंस कहेंगे। और लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन जो है वो मैट्रिक्स की हेल्प से हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वैसे नॉन लीनियर का भी हम मैट्रिक्स की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अपने कोर्स में भी सिर्फ लीनियर इक्वेशंस का ही है। तो हम लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन आता है वो आज हमें देखना है, ठीक है। और इसी के लिए हमने रैंक निकाली थी कि रैंक की हेल्प से हम किसी भी कितनी भी वेरिएबल्स हमारे पास में आ जाए उन सभी का क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं। और जरूरी नहीं है सॉल्यूशन एग्जिस्ट भी करता हो, सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, तो वो सारा जो है वो इसमें सिस्टम की कंसिस्टेंसी बोली जाती है इसमें। तो सिस्टम की कंसिस्टेंट होने का मतलब क्या है कि इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, और अगर हम कहते हैं कि इनकंसिस्टेंट है तो इट मीन्स द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। सिस्टम किसको कहा गया है, दो या तीन या जितनी भी इक्वेशंस का सेट आपको गिवन होगा उसको हमें क्या, हम क्या कहेंगे, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। जैसे दो वेरिएबल्स हैं तो दो वेरिएबल्स को सॉल्व करने वाले के लिए कितनी इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट है, दो इक्वेशंस की। अगर तीन वेरिएबल्स हैं तो तीन वेरिएबल्स के लिए हमें तीन इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट होगी। अगर चार इक्वेशंस है तो चार, एंड सो ऑन, एन वेरिएबल्स के लिए एन इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट होती है सॉल्व करने के लिए, तभी हम उनका सॉल्यूशन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो डायरेक्टली हम जो है वो क्वेश्चंस की हेल्प से ही इस पार्ट को करेंगे और फिर इसकी थ्योरी को हम डिस्कस करेंगे, ना। तो हेडिंग लगा लो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशंस, है ना। और इस टर्म्स है कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी, सब कुछ हम लोग इन क्वेश्चंस में ही डिस्कस करेंगे और फिर एक बार उसको दोबारा रिवाइज करेंगे कि क्या क्या कंडीशन है वो हम राइट डाउन भी कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्टली मैं अभी बताऊंगी तो वो चीजें अपने को क्लियर नहीं होती है, तो हम उसका जो जितना भी है वो एक क्वेश्चन करने के बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन डालो, टेस्ट द कंसिस्टेंसी, क्वेश्चन लिखो, टेस्ट द कंसिस्टेंसी ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है ना, टेस्ट द कंसिस्टेंसी ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस एंड फाइंड द सॉल्यूशन and find the solution if possible ठीक है। इक्वेशन है x plus y plus z equal to 6, सेकेंड इक्वेशन है x minus 2y प्लस 2z इक्वल्स टू 5, थर्ड इक्वेशन है 3x प्लस y प्लस z इक्वल्स टू 8, 3x प्लस y प्लस z इक्वल्स टू 8 एंड 2x माइनस 2y प्लस 3z इक्वल टू 7। ये चार इक्वेशन हमें गिवन है, x प्लस y प्लस z इक्वल्स टू 6, x माइनस 2y प्लस 2z इक्वल्स टू 5, 3x प्लस y प्लस z इक्वल्स टू 8, 2x माइनस 2y प्लस 3z इक्वल टू 7, ना। सभी स्टूडेंट्स को आई थिंक इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना आता होगा, ए एक्स इक्वल्स टू बी की फॉर्म के अंदर मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना आता है सबको। मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, टर्म्स का अरेंजमेंट देखते हैं। टर्म्स का अरेंजमेंट का मतलब ये है कि जो भी हमें इक्वेशंस गिवन है ये चारों इक्वेशन मिलाकर क्या कहलाता है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ना। इन चारों इक्वेशंस को कंबाइंड में हम क्या कहेंगे, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कहेंगे। और इसका सॉल्यूशन हमें कैलकुलेट करना है, इसका मतलब
एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, और किस मेथड से करनी है, मैट्रिक्स मेथड से करनी है, किस मेथड से करनी है, मैट्रिक्स मेथड से करनी है, ठीक है। तो अब इसके लिए हम क्या करें, सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करें, और मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें देखना है हर एक इक्वेशन में जो राइटिंग पैटर्न होगा, मतलब वेरिएबल्स को लिखने का जो पैटर्न होगा वो सेम होना चाहिए, मतलब स्टार्टिंग में अगर एक्स है तो सभी लाइंस में एक्स होना चाहिए, सभी इक्वेशंस में। नेक्स्ट हम वाई ले रहे हैं तो वाई ही आना चाहिए, और फिर अगर जेड आ रहा है तो हम क्या करेंगे, जेड ही लेंगे, और इक्वल टू में जितने भी कॉन्स्टेंट्स हैं वो हमें लेने होंगे, ठीक है। तो अब इसको पहले हम किसमें कन्वर्ट करते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं। देखो, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, क्या हुआ बेटा, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म, इन मैट्रिक्स फॉर्म, मैट्रिक्स फॉर्म क्या होती है, ए एक्स इक्वल्स टू बी, क्या होती है, ए एक्स इक्वल्स टू बी, कैसे लिखते हैं ए एक्स इक्वल्स टू बी की फॉर्म के अंदर, यहां से देखो, सबसे पहले x के कोफिशिएंट देखो, फर्स्ट लाइन में x का कोफिशिएंट है 1, सेकंड लाइन में क्या है 1, थर्ड लाइन में 3, और नेक्स्ट लाइन में 2, 1 1 3 2। अच्छा, इसके बाद देखो y के जो कोफिशिएंट्स हैं वो चेक करो, 1 माइनस 2 1 माइनस 2 1 माइनस 2 1 माइनस 2, वेरी गुड। जेड के कोफिशिएंट्स बताओ, 1 2 1 3। यहाँ पर थोड़ा सा साइन का हमें ध्यान रखना है, अगर माइनस है तो माइनस ही लिखना है, और वेरिएबल क्या है, एक्स वाई जेड, जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में लिखना है, एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 6 5 8 7, 6 5 8 7। एक तो टाइम से बच्चे एंटर नहीं करते हैं और पूरी क्लास के अंदर तुम लोग डिस्टर्ब करते हो, है ना। चलो 6 5 8 7, अब हमें क्या करना है, ये अपने ये है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, इसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ये एक्स वाई जेड यानी कैपिटल एक्स वाली जो मैट्रिक्स है वो क्या है, वेरिएबल मैट्रिक्स। देखो अगर हम देखें तो ये हमारे पास में ए है, ये हमारे पास एक्स है, और ये जो टर्म है ये क्या है, पी है ना, ये कॉन्स्टेंट्स हैं, ये वेरिएबल्स हैं, और ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके लिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखनी है, क्या लिखनी है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का मतलब ये है कि जो भी हम लिख रहे हैं ए स्लैश बी, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को शो किससे करते हैं, ए स्लैश बी से शो करते हैं, और कैसे लिखना है, ए स्लैश बी इक्वल्स टू मैट्रिक्स ए लिखो पूरी, 1 1 1 1 माइनस 2 2 3 1 1 2 माइनus 2 3, और स्लैश लगाओ 6 5 8 7, 6 5 8 7, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखना देख लिया, ए स्लैश बी जो ए कोफिशिएंट मैट्रिक्स है वो एज इट इज लिखनी है, स्लैश लगाया, और उसके बाद में ये हमने जो कांस्टेंट थे हमारे 6 5 8 7 ये लिख दिया, क्लियर। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक निकालनी है, क्या करना है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक निकालनी है बाय एशलॉन फॉर्म, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक कैलकुलेट करनी है बाय एशलॉन फॉर्म, रो ऑपरेशंस लगाकर इसकी रैंक कैलकुलेट करो, है ना। करें इसकी रैंक कैलकुलेट, क्या ऑपरेशन लगाना चाहिए, स्टार्टिंग में हमें R2 में R2 माइनस R1, R3 में क्या करें R3 माइनस 3R1, हाँ बोलो मम्मी, बीच में जो स्लैश लगाया है A स्लैश B,
हाँ ये क्या चीज है मैम? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बोलते हैं इसको, कि अगर हम जितना भी ऑपरेशन करना चाह रहे हैं वो किस पर करना चाह रहे हैं, कोफिशिएंट पे करेंगे या कांस्टेंट पर करेंगे, बाकी एक्स वाई जेड तो एक्स वाई जेड ही रहेगा। तो हम क्या करते हैं, अगर हमें कभी ऑपरेशन साथ में लेने हो कि जो ऑपरेशन मुझे कोफिशिएंट मैट्रिक्स के लिए चाहिए वही कांस्टेंट मैट्रिक्स के लिए, तो एक साथ सेम ऑपरेशंस को यूज करने के लिए हम क्या करते हैं उसको इस फॉर्म में लिखते हैं, और इस फॉर्म को लिखना क्या कहलाता है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, तो ए स्लैश बी की फॉर्म में लिखते हैं, और आर फोर में क्या ऑपरेशन करोगे, आर फोर माइनस टू आर वन। चलो जल्दी से करके मुझे बता दो कि क्या आ रहा है रिजल्ट आपके पास में। ऑपरेशन सबको दिख रहे होंगे, आप लोग निकाल लो और बता दो मुझे कि क्या आ रहा है। सब लोगों ने नोट कर लिए मैट्रिक्स? यस मैम। ओके, मैं ना पेज चेंज कर रही हूँ। फर्स्ट लाइन है अपनी 1, 1, 1 और 6। ठीक है, सेकंड लाइन में आप कर रहे हो R2 माइनस R1, तो R2 माइनस R1 क्या आएगा आपके पास में? 0 माइनस 3, 1 माइनस 1 माइनस 3, 1। ठीक है, अब आपको दिख ही जाएगा थोड़ा सा। नेक्स्ट रो क्या आ रही है अपने पास में, R2 माइनस R1, तो 0 माइनस 3 माइनस 2 2 माइनस 1, तो 1 होगा ना, 5 माइनस 6 माइनस 1। फिर इसके बाद क्या करोगे, 3 माइनस 3 0 1 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2। नेक्स्ट क्या आएगा, 8 माइनस 2 माइनस 4 1। ये नंबर बताओ लास्ट वाला कितना आएगा, 8 माइनस 18 इज माइनस 10। R4 माइनस 2 R1, 0 माइनस 2 माइनस 4 3 माइनस 1 3 माइनस 2 1, 7 माइनस 14 माइनस 8। ठीक है, माइनस 5 पर क्या माइनस 5 आएगा बेटा? 7 माइनस 12 इसको सही कर लो, 7 माइनस 12 इज माइनस 5। ठीक है, अब नेक्स्ट अपने को क्या करना है, फर्स्ट डायगोनल एंट्री के नीचे टर्म 0 बना दी, अब सेकंड डायगोनल के नीचे वाली टर्म को 0 बनाओ। क्या ऑपरेशन करना चाहिए, R3 में इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें और सब्ट्रैक्ट कर दें, तो 3R3 माइनस 2R2 करें। और R4 में क्या करना चाहिए, ये 4 है और ये 3 है, तो क्या करना चाहिए, 3R4 माइनस 4R3 कर दें। R1 को यूज नहीं करना है अपने को, है ना? तो अब ये जो मैट्रिक्स अपने पास रिड्यूस होके आएगी, हाँ बोलो, 2 आएगा ये 4 है और ये 3 है, तो हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, इसको 3 से कर दें उसको 4 से कर दें। 1 0 0 0, R1 में कोई चेंजेस नहीं कर रहे, एज इट इज लिखा। ठीक है, अब R2 में भी कोई चेंजेस नहीं कर रहे, 1 माइनस 1। R3 में करो 3R3 माइनस 2R2, 0। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 6 और माइनस का 2, माइनस का 8, माइनस 30 और ये हो जाएगा प्लस 2, माइनस 30 प्लस 2 कितना हो जाएगा, माइनस 28। नेक्स्ट देखें, 4 माइनस 12 माइनस 12, तो 0 हो गया, 1
ये हो जाएगा 3 - 4 - 1। नेक्स्ट देखें -15 और ये हो जाएगा +4 - 11। चेक कर लो तुम्हारे पास भी यही टर्म्स आ रही हैं क्या। ये आर फोर वाले में आर टू आएगा क्या? बिल्कुल सी आर फोर माइनस फोर आर टू कर रही थी मैं, या तो मैंने यही है, एक बार और चेक कर लो। 1 - 12 और +12 0 हो गया। ये अपने पास टर्म आ गई है कितनी, 3 R4 3 - 4 - 1। ये हो जाएगा -15 और +4 तो कितना हो जाएगा -11। चेक कर लेना टर्म्स में कहीं गड़बड़ हो रही हो तो एक बार चेक जरूर कर लेना। एक्सेल फॉर्म केवल ए में ही बनानी है ना मैट्रिक्स में, या ये पूरे कॉम्बाइन वाले में ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में बनानी है? पूरी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में बनानी है। तो वो डायगोनल मैट्रिक्स ही होगी 1 - 3 - 8 - 11। हाँ बिल्कुल। अभी तो कहाँ बनी है ये थर्ड डायगोनल एंट्री के नीचे वाली टर्म को भी जीरो बनाना है ना अभी हमें। हाँ बनाओ। कुछ भी नहीं है कि हम एक डिफरेंस चाह रहे हैं कि ये हमारी कोफिशिएंट मैट्रिक्स है और ये हमारे जो कांस्टेंट वाली टर्म्स है वो है ना। ये जो कांस्टेंट टर्म्स है इनके बीच में एक सेपरेशन दिखा रहे हैं केवल और कुछ नहीं है ना। नेक्स्ट बताओ। देखो कैलकुलेशन गलत हो जाएगी तो रिजल्ट गलत हो जाएगा, एक बार जरूर अच्छे से चेक कर लेना, कहीं गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। Excuse me, ma'am. हाँ बोलो बोलो। मैम आवाज नहीं आ रही। मैम ये जो आपने ऑपरेशन लगाया R3 में, ये भी तो लगा R3 + 2 R1। कुछ भी लगा दो R1 में अभी यहाँ पर। मैम मैं ये बोल रही हूँ जो आपने ऑपरेशन लगाया है ये भी तो लगा सकते हैं R3 + 2 R1। बेटा 2 R1 लगाओगे तो ये टर्म जीरो हुई है ना, ये वापस से आपकी नॉन जीरो टर्म आ जाएगी। आप लगा के देखो जो जीरो बना है ना वो जीरो नहीं बनेगा फिर। हाँ बोलो। मैम मेरे नाम से कॉल एंटर कर गया क्लास में। मैम मेरे नाम से एक और बच्चा आया हुआ यहाँ पे। क्या नाम है आपका? मैम पीयूष काबरा। पीयूष काबरा। मैम पीयूष काबरा। मैम एक और बच्चा आ गया मेरे नाम से। यस मैम वो रेड कलर वाला है ना वो है, मैं न्यू मैम, मैं ग्रीन वाला हूँ। पीयूष काबरा जो ये वाला है मैम रेड वाला, मैं न्यू मैं ग्रीन वाला हूँ। ओके मैंने रिमूव कर दिया उसको। आप लोगों की तो मुझे भी पता चल जाएगा ये अटेंडेंस में आपको भी कभी रोल नंबर से ही ले लेते हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि कई बार क्या होता है नेटवर्क जो है वो डाउन हो जाता है तो आप लोग कुछ लोग जो है वो बाहर निकल जाते हो, फिर कोई भी आपके नाम से एंट्री भी ले लेता है। तो आप लोगों को भी ये ध्यान रखना है कि कोई मेरे नाम से एंट्री कर रहा है तो साथ के साथ बता दो, मैं उसको वहीं रिमूव कर दूंगी। ठीक है थोड़ा सा आप लोग भी अवेयर रहेंगे ना तो उस चीज के लिए ध्यान रहेगा आपको। अच्छा यहाँ पे ऑपरेशन में आगे ऑपरेशन करें। अब अपने को क्या करना है यहाँ पर, यहाँ ऑपरेशन में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। 3 R3 से चेक कर लो 3 R3 को वो चुका है अपना। 3 R3 हो जाएगा ये -6 और ये +6, ये हो जाएगा अपने पास में 0 -6 और ये हो जाएगा
टू तो माइनस का ए, फिर थ्री आर थ्री यानी माइनस का 30 और ये हो जाएगा प्लस का 2 तो माइनस का 28। आर फोर में हो गया 3R4 माइनस 4R2, 3R4 हो गया 12 प्लस 12 इक्वल्स टू 0 और ये हो जाएगा अपने पास 3 माइनस 4 माइनस का 1, ये हो जाएगा अपने पास में, ये माइनस का 5 था ना, ये माइनस 5 था तो ये माइनस 15। और कोई बात नहीं, हम मेथड देख लेते हैं। माइनस 15 प्लस 4 अपने पास हो गया माइनस का 11। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये थर्ड डायगोनल एंट्री के नीचे वाली टर्म को जीरो बनाना है। थर्ड डायगोनल के नीचे वाली एंट्री को जीरो बनाओ। आर फोर में क्या करेंगे, इसको हम 8R4 से मल्टीप्लाई करके 8R4 माइनस R3, ठीक है। तो ये टर्म जो है वो अपने पास मिलेगी ए स्लैश बी 1116 0 माइनस 3 1 माइनस 1 0 0 माइनस 8 माइनस 28 और नेक्स्ट जो रो मिल रही है वो मिल रही है 0 0 0 और ये हो जाएगा माइनस का 88 और प्लस का 28। माइनस 88 प्लस 28 कितना हो जाएगा, 60 हो गया, ठीक है। माइनस 88 प्लस 28 60 हो गया है ना, मतलब हमें इसको भी चेक करना है ना, ये अपने पास क्या। और रैंक ऑफ ए अगर हम बात करें, ये अपने पास क्या है, एशलॉन फॉर्म है ना। एशलॉन फॉर्म से हम देखते हैं क्या, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज किससे बताते हैं, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हम काउंट करते हैं। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हमें देखनी है। अगर मैं ए के लिए निकालती तो सेम ऑपरेशन पर निकालते तो ए की रैंक कितनी होगी बताओ, ए की रैंक कितनी होगी, अगर इसको हम थ्री रैंक ऑफ ए कितनी है, मैम रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है 4, रैंक ऑफ ए है अपने पास में 3। तो इसका मतलब अब हम यहाँ से चेक करते हैं, हियर रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए, है ना। रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो है वो रैंक ऑफ ए के इक्वल नहीं आई है। देयरफॉर अब मैं अभी आपको सारे रूल्स बताने वाली हूँ, है ना। देयरफॉर सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट एंड हैज नो सॉल्यूशन एंड हैज नो सॉल्यूशन। मैम ये क्वेश्चन आप रिपीट कर दोगे क्या, बिल्कुल अभी बेटा एक क्वेश्चन और कराऊंगी ऐसा, है ना। उसमें देखना सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट एंड हैज नो सॉल्यूशन। अब मैं आपको सारी कंडीशंस बताती हूँ। सभी क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, सबसे पहले जो सिस्टम ऑफ मैट्रिक्स हमें देंगे उसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, फिर उसके लिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, बाय एशलॉन फॉर्म। जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक अपने पास एशलॉन फॉर्म से आएगी उससे हमें दोनों की रैंक मिल जाएगी, रैंक ऑफ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी मिलेगी और रैंक ऑफ ए भी मिल जाएगी। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो उस केस में सिस्टम कैसा होता है, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब जिसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। अब मैं आपको थ्योरी बता रही हूँ थोड़ी सी, है ना, सुनना ध्यान से कि जब हम लीनियर इक्वेशंस को का सोल्यूशन कैलकुलेट करते हैं तो हम बात करते हैं एक तो इनकंसिस्टेंसी की और एक कंसिस्टेंसी की। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है कि अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो हम सिस्टम को क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंसी का मतलब क्या है, नो सॉल्यूशन, सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। अगर सिस्टम का कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम सिस्टम को क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट। और अगर सिस्टम का सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो हम क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट, ठीक है। अब इनकंसिस्टेंसी में तो एक ही पार्ट आता है, नो सोल्यूशन, लेकिन कंसिस्टेंसी के लिए हमें दो टाइप मिलते हैं। कैसे, इनकंसिस्टेंसी के लिए जो कंडीशन होती है वो क्या होती है,
रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स रैंक ऑफ ए के इक्वल नहीं आती है ना, लेकिन अगर हमारे पास में रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और रैंक ऑफ ए इक्वल हो जाए ना, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और रैंक ऑफ ए इक्वल हो जाता है तो सिस्टम कैसा होता है, कंसिस्टेंट होता है। और इसके लिए हमें दो टाइप के पार्ट्स मिलते हैं, कौन कौन से, इफ रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स। अगर हमारे पास ये वैल्यू नंबर ऑफ वेरिएबल्स, जैसे पिछले क्वेश्चन में तीन वेरिएबल थे, अगर रैंक हमारी थ्री आ जाती दोनों की, तो हम क्या कहते हैं सिस्टम कैसा होता हमारा, कंसिस्टेंट होता, सिस्टम कंसिस्टेंट होता। और उसके कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते, उसके यूनिक सॉल्यूशन यानी एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता, केवल और केवल एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता। और दूसरा केस इसमें क्या है कि अगर रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स रैंक ऑफ ए के इक्वल तो आ रही है लेकिन लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स आ रही है, तो हम सिस्टम को कंसिस्टेंट तो कहते हैं, सिस्टम इज कंसिस्टेंट, बट इट हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। उस केस में क्या होंगे, उस सिस्टम के इनफाइनाइट यानी बहुत सारे सॉल्यूशंस जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। अगर रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और रैंक ऑफ ए इक्वल नहीं आती है तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा और उसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और रैंक ऑफ ए इक्वल आ जाती है तो उस केस में सिस्टम क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। और दो टाइप की पॉसिबिलिटीज होती है, अगर वो नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल है तो यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, अगर वो लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स आ रहा है तो उस केस में क्या होगा कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस जो हैं वो उसके एग्जिस्ट करेंगे। क्लियर है, अभी एक क्वेश्चन और करते हैं तो उससे हमें क्लियर हो जाएगा। अब नो सॉल्यूशन वाले केस में तो हमें सॉल्यूशन नहीं निकालना है, लेकिन ये जो दोनों केसेस हैं इसमें हमें एक्स वाई जेड की वैल्यूज भी कैलकुलेट करके निकालनी है। ठीक है, हमें क्या करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यूज भी कैलकुलेट करके निकालनी है। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, स्टार्ट करो इसको। मैम इसमें थर्ड केस नहीं बनेगा, नंबर ऑफ वेरिएबल्स से ज्यादा हो तो रैंक? नहीं नहीं बेटा, हो ही नहीं सकता ना, जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं उससे ज्यादा आपकी रैंक मिलेगी ही नहीं अपने को कभी। मैम एक बार ये पेज पूरा दिखा देना थोड़ा, आप स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपने नहीं किया है ना तो। वैसे आपके पास सारी पीडीएफ पहुंच गई है मैट्रिक्स की, है ना, तो बुक में भी आपको लाइन बाय लाइन कंडीशंस मिल जाएंगी, फिर भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, यस मैम। ओके, क्वेश्चन दे दूं, और ज्यादा टाइम नहीं है अपने पास। यस मैम दे दो। यस मैम, लिखो क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन वही रहेगा, टेस्ट द कंसिस्टेंसी ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन एंड फाइंड द सॉल्यूशन इफ पॉसिबल। तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन लिखो, है ना, क्वेश्चन में बोल रही हूँ, लिखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू सिक्स, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू सिक्स, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x plus y plus z equals to 6. Second equation है x plus 2y plus 3z equals to 14. x plus 4y plus 7z equals to 30. ना, अब बहुत ज्यादा लैंग्वेज में नहीं लिखूंगी इस क्वेश्चन के अंदर, ना और क्वेश्चन जब लेंगे तो उसमें लैंग्वेज लिख लेंगे। पहले सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर, मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करो ए एक्स इक्वल्स टू बी, पहले तीनों टर्म्स देख लो, एक्स वाई जेड सेम फॉर्म के अंदर है, इक्वल टू में कांस्टेंट है, वन वन वन, वन टू थ्री, वन फोर सेवन, एक्स वाई जेड इक्वल्स टू सिक्स फोर्टीन थर्टी, सबकी बन गई है मैट्रिक्स फॉर्म।
सबकी बन गई है। चलो नेक्स्ट ऑगमेंटेड मैट्रिक्स देखो, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स राइट ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए स्लैश बी सिक्स फोर्टीन थर्टी सबने लिख ली है। नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे, रैंक निकालेंगे है ना, रैंक निकालेंगे आर टू में आर टू माइनस आर वन और आर थ्री में आर थ्री माइनस आर वन कर दें। ए स्लैश बी पहले पहला फर्स्ट कॉलम बना रहे हैं, वन 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 माइनस वन जीरो टू माइनस वन वन थ्री माइनस वन टू फोर्टीन माइनस सिक्स एट वन माइनस वन जीरो फोर माइनस वन थ्री सेवन माइनस वन सिक्स थर्टी माइनस सिक्स ट्वेंटी फोर सबका यही आ रहा है। और दिख भी रहा है कि सेकेंड और थर्ड रो जो है वो एक दूसरे की मल्टीपल है, मतलब अगर थर्ड रो को डिवाइड बाय थ्री कर दें तो सेकंड रो मिल जाएगी और सेकंड रो को थ्री से मल्टीप्लाई कर दें तो ये मिल जाएगी, तो रिड्यूस होके हमें एक ही रो मिलेगी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, आर थ्री में आर थ्री माइनस थ्री आर टू आर थ्री माइनस थ्री आर टू ए स्लैश बी इक्वल्स टू वन 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 सिक्स जीरो वन टू एट और नेक्स्ट क्या मिलेगा जीरो 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 यही आ रहा है सबका। ये कौन सी फॉर्म है, एशलॉन फॉर्म है ठीक है। चलो नाउ रैंक ऑफ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बताओ कितनी होगी, रैंक ऑफ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स टू बात को कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक थोड़ी हुई है, सब लोग चेक कर रहे हैं ना ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो है वो कितनी आई अपने पास में टू और रैंक ऑफ ए कितनी आ रही है अपने पास में ये भी टू आ रही है टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी टू आ रही है और रैंक ऑफ ए भी जो है वो टू आ रही है तो इसका मतलब जो है वो कैसे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे बताओ, कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हुई है यहाँ पर, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अभी किसी ने मैसेज किया था कि यूनिक सॉल्यूशन नहीं, यूनिक सॉल्यूशन नहीं है। हियर रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू टू बट लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी लिख लेते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ वेरिएबल्स को हम एन से शो कर लेते हैं, एन इक्वल टू थ्री है यहाँ पे एक्स वाई जेड ठीक है, लेस देन थ्री मतलब एन से क्या है कम है, कम है तो सिस्टम कैसा होगा, सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन निकालेंगे। ये जो एशलॉन फॉर्म आ रही है ना इसको आप रिलेशन नंबर वन मान लो, क्या लिखा है आइए वन डाल लो बेटा, ये लो वन डाल लो इक्वेशन नंबर वन ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या, यस मैम यस मैम ठीक है। अब ये जो नंबर वन वाली थी ना इसको फिर से उसमें मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो। नाउ इक्वेशन वन इन मैट्रिक्स फॉर्म लिख सकते हो, क्या होगी देखो वन 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 सिक्स तो ये वन 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 एक्स वाई जेड इक्वल्स टू सिक्स, सेकेंड क्या है जीरो वन टू एट
0 1 2 8 0 1 2 8 0 0 0 0 देखो मैट्रिक्स फॉर्म ऐसे ही बन रही है सबकी. यस मैम. फॉर्म में लिखो. अब हमें सॉल्यूशन भी निकालने हैं ना, तो कैसे निकालते हैं इसको. अगर हम लिखें सिस्टम की फॉर्म में x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, y प्लस 2 जेड इक्वल टू 8. ऐसे करते हैं ना, 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1 इंटू जेड इक्वल टू 6, ठीक है. नेक्स्ट क्या होती है, 0 इंटू एक्स तो 0 हो गया, प्लस 1 इंटू वाई प्लस 2 इंटू जेड इक्वल टू 8, ठीक है, प्लस 2 इंटू जेड इक्वल टू 8. अब यहाँ पर देखो वेरिएबल कितने हैं, इसमें वेरिएबल कितने हैं, तीन है, दूसरे में दो है. लेकिन सॉल्यूशन जो है, अगर तीन इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालना है तो हमें तीन ही, सॉरी तीन वेरिएबल निकालने हैं तो तीन इक्वेशन चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर कितनी मिल रही है, दो ही मिल रही है. तो इसमें हम क्या करते हैं, एक को कुछ भी मान लो, एक्स को मान लो, वाई को मान लो, जेड को मान लो, तुम्हारी जो इच्छा है उसको मान लो, पर कन्वीनियंस के लिए हम जेड को मान लेते हैं. लेट जेड इक्वल्स टू के, के की कोई भी वैल्यू हो सकती है. तो y क्या हो जाएगा, 8 माइनस 2k. y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 माइनस 2k. और x की वैल्यू बताओ जल्दी से, x की वैल्यू क्या होगी, 6 माइनस y माइनस z. रखो 6 माइनस 8 माइनस 2k माइनस k, कितना आ रहा है, k माइनस 2 आ रहा है क्या, 6. यस मैम, है ना. तो अब k की जितनी वैल्यूज होगी, अब अपने पास क्या आया, देखो x की वैल्यू तो आ गई k माइनस 2, y आ गया 8 माइनस 2k, और z आ गया k. वेयर k इज एनी कॉन्स्टेंट, लिख देना वेयर k इज कॉन्स्टेंट, वेयर k इज कॉन्स्टेंट, ठीक है. अब k की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो x और y की दूसरी वैल्यू मिलेगी, k इक्वल टू 2 रखोगे तो कुछ और मिलेगा, k इक्वल टू 0 रखोगे कुछ और मिलेगा. मतलब k की वैल्यू पर x और y डिपेंड कर रहे हैं, और जितने हम निकाल सकते हैं, कितने निकाल सकते हो, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस निकाले जा सकते हैं. इसका मतलब जितने k की वैल्यूज उतने सॉल्यूशन ना, और कोई रेस्ट्रिक्शन तो है नहीं, 0 रख लो, 1 रख लो, 2 रख लो, 3 4 5 1 by 2 3 by 4 4 by 5 जो तुम्हें रखना है वो रखोगे, तो हमें कैसे मिल जाएंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस जो है वो हमें मिल जाएंगे.